जैसी गंभीर बीमारी के बाद भी बनारस की होनहार बिटिया ने कमाल कर दिखाया है। BHU के फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट प्रीति कुमारी ने कैनवास पर भगवान राम और सीता की सबसे अनोखी पेंटिंग तैयार की है। यह पेंटिंग 50,181 राम राम के नाम से बनाई गई है, जिसे अब हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में बतौर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बताते चले कि इससे पहले प्रीति ने खुद का नाम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में भी दर्ज किया था। प्रीति कुमारी ने बताया कि भगवान राम और सीता की पेंटिंग को 24 इंच लंबे और 28 इंच चौड़े कैनवास पर बनाया गया है। इसे तैयार करने में 11 घंटे का समय लगा है। रंग बिरंगे स्केच कलर का इस्तेमाल कर इसे बनाया गया है। प्रीति के लिए यह काम बेहद मुश्किल था, क्योंकि जिस समय वह इस काम को कर रही थी वो ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़ रही थी, लेकिन प्रीति ने अपने हौसले और मेहनत के दम पर इसे तैयार किया। बताते चले कि प्रीति को इसकी प्रेरणा गिनीज बुक रिकॉर्ड धारी और मशहूर चित्रकार पूनम राय से मिली। प्रीति का मानना है कि जीवन में हर कोई समस्या में रहता है, लेकिन इन समस्याओं के बीच भी लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जो मिसाल बने। प्रीति ने बताया कि जब इस पेंटिंग को वह तैयार कर रही थी तो उस वक्त वह प्रभु श्री राम की भक्ति में रमी बसी थी। उनके भक्ति में लीन होकर उनका यह संकल्प कब पूरा हो गया उन्हें पता भी न चला। नमस्ते, मैं प्रीति कुमारी, BHU फाइन आर्ट्स की छात्रा। अभी मैंने हाल में ही कंप्लीट किए इसी वर्ष, और मैं अभी हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराई हूँ, और इससे पहले मैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है। और जिस पेंटिंग के लिए मेरा नाम दर्ज हुआ है वह पेंटिंग राम सीता जी की पेंटिंग है। वह पेंटिंग मैंने 50,181 बार राम राम लिख करके कुल 11 घंटे में कंप्लीट की है। इसका श्रेय मैं आदरणीय पूनम मैम को देना चाहूँगी, और मैं पूरे BHU और बनारस, पूरे वाराणसी का नाम रोशन करना चाहती हूँ।